हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे, ये जो कह सकती है जीपी प्लान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय एनवायरनमेंट में निकली हुई है। यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन वाइटेड प्योरली जो है प्रोजेक्ट बेस्ड टेम्परेरी पोजीशन रहेगी अंडर नेशनल मिशन ऑफ हिमालयन स्टडीज़ के एट हिमाचल रिलीजन सेंटर ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसके लिखे कि जो कैंडिडेट इसके मतलब जिसके पास एडुकेट क्वालिफिकेशन है, उन्हें बता रखी है आपका जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड एक्सपीरियंस है, तो आप जो नीचे प्रोसीजर दे रखे हैं आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बता रखी है पोजीशन क्या रहेगी, पर मंथ आपको कितना पे किया जाएगा। फर्स्ट ने दे रखी है रिसर्च एसोसिएट की वन की बता रखी है, वन वैकेंसीज है 58,000 यानी 58,000 आपको दिया जाएगा प्लस HRA पर मंथ का। एज बता रखी है 35 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो आगे लिखे कि आपने PhD डिग्री या तो बॉटनी में या फॉरेस्ट्री में या ह्यूमैनिटीज एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चर बिजनेस में की होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास मिनिमम 2 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। यहाँ पे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रखी हैं क्या क्या रहेंगी। नेक्स्ट दे रखिए GRF यानी जूनियर रिसर्च फेलो की एक ही वैकेंसी 37,000 प्लस आपको जो HRA दिया जाता है वो दिया जाएगा पर मंथ फॉर नेट क्वालिफाइड, जिन्होंने यहाँ पे नेट क्वालिफाइड किया हुआ है। ये आपने यहाँ पे देख लेनी है, यहाँ पे इन्होंने दो कंडीशन दे रखी है। और नेक्स्ट दे रखिए जूनियर रिसर्च फेलो जिन्होंने यहाँ पे मतलब क्वालिफिकेशन जो इसके अकॉर्डिंग है वो कर रखी है भी, हाँ यहाँ पे उनको 24,000 दिया जाएगा प्लस HRA पर मंथ फॉर नॉन नेट के लिए, जिन्होंने मतलब नेट नहीं किया जिस जिसकी क्वालिफिकेशन को मीट करते, अगर उन्होंने नेट क्वालिफाइड किया हुआ है तो उनको 37,000 दी जाएगी। इसमें जो क्वालिफिकेशन वाले लिखे कि आपने मास्टर डिग्री की होनी चाहिए फर्स्ट क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट, या तो एनवायरमेंटल साइंस में, बॉटनी में, जूलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर साइंस में, या ह्यूमैनिटीज में, या फॉरेस्ट्री में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो टोटल यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखी है, अगर आपने यहाँ पे इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ नेट क्वालिफाइड किया हुआ है तो आपको यहाँ पे 37,000 प्लस आपका जो HR रहता है वो दिया जाएगा। अगर आपने यहाँ पे नेट क्वालिफाइड नहीं किया हुआ है बट आप इसकी क्वालिफिकेशन को मीट करते हो तो आपको जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की जो इन्होंने बता रखी है उसमें आपको 24,000 रुपया पर मंथ आपका रहेगा और प्लस HRA दिया जाएगा। तो आपने यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे आपके वर्क्स वगैरह रहेंगे जो यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं। 28 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट में थी, यहाँ पे 35 ईयर्स तक की यहाँ पे इन्होंने बता रखा है आपका कौन कौन सा प्रोजेक्ट लेगा, लाइवलीहुड ऑप्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में। यहाँ पे बता रखे हैं रिलैक्सेशन रहेगी आपकी अगर आप SC ST वुमेन या फिर PHE या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डिसाइरेबल कैंडिडेट है जो लगता है कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो वो यहाँ पे जाके अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो इसके प्रिस्क्राइब कर रखे हैं अक्षर वन में उसके साथ आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो हैं, आपने यहाँ पे जो ईमेल आईडी दे रखी है head HRC@gmail.com पे जो है 25 सितंबर 2024 से पहले पहले सेंड कर देनी है। इंटरव्यू की डेट जो है उन्हें सेपरेटली कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ असेंशियल टू मैंशन सीरियल नंबर। तो आपको यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर दे रखा है आपको मेंशन करना पड़ेगा सीरियल नंबर एंड द नेम ऑफ प्रोजेक्ट कि आप कौन से उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ईमेल के उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में भी आपको मेंशन करना है। और यहाँ पे उन्होंने वही बता रखा है जब भी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस है बट आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको 0 काउंट किया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो है इमीडिएट ज्वाइन करना होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो है यहाँ पे कहीं भी इंडिया में पोस्टेड किया जा सकता है, कोई भी आपको TDA नहीं दिया जाएगा अगर आप इसके इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए आते हैं। इंस्टीट्यूट के पास चाहे राइट अगर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। एंगेजमेंट जो रहेगी प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे रहेगी। अनक्षर वन में यहाँ पे उन्होंने देखा कैसे आपको अपना फॉर्म वगैरह फिल करना है, आपको अपना अनक्षर वन में जाके अपना इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। कोई भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कॉलम फिर यहाँ पे लिखे कि ब्लैंक नहीं छोड़ना है, लेफ्ट ब्लैंक नहीं छोड़ना है, यूज़ एडिशनल अगर आपको जरूरत पड़े तो आप एडिशनल शीट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। चाहे एक बार आपने चेकलिस्ट चेक कर लेनी है कि हाँ भी इस एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले अगर आपका इनकम्प्लीट है उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फोटोकॉपीज लिखे कि ऑफ डॉक्यूमेंट नीड सेल्फ अटेस्ट, आपने उसको सेल्फ टेस्टेड कर देना है भाई, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। देन यहाँ पे चेकलिस्ट में बता रखे फोटोग्राफ आपने लगाई है नहीं लगाई है वो चेक कर लेना है कि आपका नेम वगैरह सब कुछ है उसके लिए, अगर चेंज है तो एफिडेविट है नहीं है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपका, मार्कशीट आपकी जो क्वालिफिकेशन की है, पब्लिकेशन की लिस्ट आपकी एंड एक्सपीरियंस का, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे मैंने बता रखे कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रोजेक्ट उसके लिए या फिर आपने यहाँ लिख देनी है सीरियल नंबर लिख देना है, प्रोजेक्ट टाइटल लिख देना है जो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट दे रखा था, ये सारे का सारे यहाँ पे आ जाएगा कि क्या प्रोजेक्ट का आपका है। यहाँ पे आपके जैसे रिसर्च एसोसिएट की है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि रिसर्च एसोसिएट की है। यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो फिक्स कर देनी है। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना फुल नेम लिख देना है, यहाँ कौन से उसमें है वो आपने लिख देना है, फादर मदर जो भी रहेगा, नेशनैलिटी कौन सी है, यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा कहीं पे आप प्रेजेंट रह रहे हैं, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ वर्क प्लेस, एज आपकी 31 मार्च 2024 तक कितनी हुई है, कौन से स्टेट का डोमिसाइल है हिमाचल का वो आपने लिख देना, सिटीजन एंड डू यू बिलोंग आप इसमें कौन से उससे बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपने इसके साथ इसका प्रूफ भी अटैच करना है, जैसे यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी अटैच करेंगे।
अकेडमिक क्वालिफिकेशन आ जाएगी, जैसे यहाँ पे 10th किया जाएगी, देन +2 किया जाएगी, देन ग्रेजुएशन की आपने जैसे जैसे की कौन से सब्जेक्ट कितनी परसेंटेज थी, कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से आपका कोर्स की ड्यूरेशन थी, कौन से मंथ ईयर में, यहाँ पे आपने उसके ऑनबर्ड करते जाना है। PhD डिग्री नॉट अवॉर्डेड, प्लीज़ गिव विच एप्लीकेबल, देन वो आपने लिख देनी है कि हाँ थी सबमिशन की डेट कब थी, एंड यहाँ पे उसकी डिटेल्स लिख देनी है, एंड आपके कोई उसमें हो स्पेशलाइजेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे आपके पब्लिकेशन उसके लिख सकते हैं डिटेल्स वगैरह। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका अगर है तो आपने लिख देना है कि उसमें कौन सा पोजीशन में था, डेजिग्नेशन आ जाएगा, रेफरेंसेस का आपने यहाँ पे लिख देना है, उनका नेम, डेजिग्नेशन है जिसका आप यहाँ पे रेफरेंसेस वगैरह देना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट की डिटेल, जहाँ पे आपने रजिस्टर्ड कराया हुआ है इफ़ एनी अगर है तो आपने, अगर आपने नेट क्वालिफाइड किया हुआ है जूनियर रिसर्च फेलो के लिए, जैसे यहाँ पे नेट क्वालिफाइड मांगा हुआ है बट यहाँ पे जूनियर उसके लिए नहीं मांगा था, देन आपने एसोसिएट वालों के लिए, तो आपने यहाँ लिख देना अगर है तो आपने इसके साथ डिटेल्स लिख देनी है, एंड अगर आप कोई और पोस्ट के लिए बताना चाहते हो अदर इन्फॉर्मेशन वो लिख देनी है। यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रखे हैं कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है मेरे द्वारा ट्री है, एंड कुछ भी ऐसा कहीं पे लगता है तो मेरे अगेंस्ट अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया, यहाँ पे कैंडिडेट ने अपनी सिग्नेचर कर देनी है, यहाँ नेम आ जाएगा कौन से प्लेस एंड कौन से डेट को करना है वो आ जाएगा, तो ये आपने भर के इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपने अटैच करके, यहाँ पे उन्होंने वही बता रखा है, ईमेल आईडी दे रखी है, आपने जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेंगे उनको आपने अंडर साइन, जो ईमेल दे रखी है इस पे जो है 25 सितंबर 2024 से पहले पहले जो आपने मेल कर देना है। जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पे दे रखे एप्लीकेशन राइटिंग फॉर द रिसर्च एसोसिएट की रहेगी, जूनियर रिसर्च फेलो की रहेगी, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, कुल्लू हिमाचल प्रदेश वालों के रहेगी, कोई भी यहाँ पे इसका नहीं है, लास्ट डेट जो दे रखी है 25 सितंबर 2024 है, यहाँ पे आप करेंगे इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।